दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक को किस तरीके से कमिंग सून वाली दिक्कत जो है किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। उससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बताने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में जो भी दिक्कत आ रही है डेबिट कार्ड देखने में या भी उसमें शो नहीं कर रहा है, तो आप किस तरीके से उसे देख सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसमें OTP डालकर लॉगिन कीजिए। जब लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एयरटेल पेमेंट बैंक जो एप्लीकेशन है खुल जाएगा। खुलने के बाद इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपके सामने डेबिट कार्ड को आप देखना है कि डेबिट कार्ड हमारा कौन सा बना हुआ है, मास्टर कार्ड है या कोई और कार्ड है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आप पता करने के लिए आपको पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है पे, तो पे वाले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा है चेक बैलेंस। तो अगर आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपका डेबिट कार्ड अभी तो बना नहीं है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको UPI ID भी बना सकते हैं। यहाँ इसमें कैशबैक बहुत से मिलते रहते हैं, तो यहाँ पर 40 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा अगर UPI ID बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे आपका डेबिट कार्ड देखना है तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक, इस पर आपको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आपको जो भी आपका अमाउंट बैलेंस होगा वो आपको शो हो जाएगा। जैसे हमारे में 0 बैलेंस है तो 0 शो हो रहा है, तो आपके में जितना होगा वो शो हो जाएगा। शो होने के बाद यहाँ से आप QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी शॉप पर। तो यहाँ से आप UPI ID बना सकते हैं। आपको करना का थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा है व्यू प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कंप्लीट KYC कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट KYC करने के बाद ये होता है कि फुल KYC हो जाएगी, फिर आपका इसी एयरटेल पेमेंट में अकाउंट खुल जाएगा, फिर उससे ही पेमेंट कर सकते हैं। आपको डेबिट कार्ड देखना है तो इस पर आपको जैसे ही क्लिक कर रहा है डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो डेबिट कार्ड वाले पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक पिन मांगेगा। पिन आपके पास होगा नहीं हो तो फॉरवर्ड पर क्लिक कीजिए, फॉरवर्ड हो जाएगा। नया पिन बना लीजिए 4 अंकों का, जिससे हमको याद है तो हम अपना पिन डालते हैं जो भी हमको याद है, जो हमारा पिन है। डालने के बाद इस तरीके से हमारे सामने एक दिक्कत आती है, डेबिट कार्ड कमिंग सून प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम का बहुत लोगों ने फेस कर रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं है। तो आपको करना क्या है, डेबिट कार्ड को देखना है तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। आपको करना है थोड़ा इसे इसको बढ़ाओगे तो इस आपके मोबाइल नंबर की UPI ID आ जाएगी बनकर, तो थोड़ा और इसे बढ़ाओगे तो आपका डेबिट कार्ड शो होने लगेगा। यहाँ पर देखो आपका डेबिट कार्ड शो हो रहा है, बस आपकी कुछ अक्षर हैं जो कि आपको शो नहीं हो रहे, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर। इस ये दिक्कत यही दिक्कत है कि ये वाली जो ये दिक्कत आ रही, अभी तक ये मास्टर कार्ड था, इसको एयरटेल की तरफ से बंद कर दिया गया है। जल्द ही किसी कार्ड में मर्ज होने वाला है, जैसे रुपया कार्ड या वीज़ा कार्ड, उसमें जल्द ही मर्ज हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, लिंक हो जाएगा उस कार्ड से। तो यहाँ पर आपको ये सभी अंक शो होने दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर अभी तक ये अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही क्लिक करते हो ये अंक नहीं दिखाई देते हैं, वही दिक्कत आने लगती है। बस यही दिक्कत है कि कार्ड के जो अंक हैं ये भी दिखाई नहीं देते हैं, जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। हम जल्द ही कोई नया वीडियो बनाएंगे, अगर ये आपको कोई अपडेट एयरटेल की तरफ से आती है, एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से, तो हम जल्द ही कोई वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर देंगे, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जब भी कोई एयरटेल की तरफ से अपडेट आएगा सबसे वीडियो आप पहले आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो से आपको कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, नहीं तो तब तक बाय बाय।